चार भुजा नाथ की। अच्छा डेवलप किया है इस एरिया में, जरूरत थी और जिस तरह से इन्होंने डेवलप किया वो डेवलप देखकर लोगों ने बहुत खुशी लगी, मतलब अच्छा लगा और उन्होंने विश्वास किया कि ये डेवलप हो तो वो आगे भविष्य भी अगर और बढ़ाएंगे तो इनका लोग लेंगे। मैंने खुद ने इनका डेवलप देख के प्लॉट बुक कराया और मेरा ये सेकंड नंबर दुकान यहाँ पर आगे फ्रंट में खुली है। मैं बहुत संतुष्ट हूँ दुकान से नहीं, इनका डेवलप देख के बहुत बहुत अच्छा प्रयास किया इन्होंने। आज के समय के अनुसार इन्होंने डेवलप करके दिखाया है कि भाई कहा कि ये कॉलोनी कैसी करनी चाहिए और किस तरह का डेवलप करना चाहिए, बहुत अच्छा। और मैंने लगभग मेरे को लगता है यहाँ सब लोग संतुष्ट हैं और अगली कॉलोनी कभी कटेगी उसमें मैं भी टोकन दूंगा। डेवलपमेंट भी सही है और एक नंबर है और कुछ भी नहीं। आपने टोकन डाला था? हाँ। क्या बोला आपके? 61 नंबर दुकान। टोकन लेने के लिए थोड़ा देर हो गया, हमको नहीं मिल पाया, लेकिन जो यहाँ पे जितना भी जो ये प्रोजेक्ट बन रहा है और जो भी व्यवस्था है बहुत पारदर्शी है और बहुत है एक्सेलेंट है, बहुत अच्छा लगा हमको। अब नेक्स्ट जो आएगा प्रोजेक्ट इनके उसमें हम 101% टोकन। न्यू डेवलप समिति की बहुत ही अच्छी व्यवस्था रही, खाने पीने की, मैनेजमेंट की, बाकी सब व्यवस्था अच्छी थी, इनाम में पूर्ण थी, पारदर्शिता थी, कहीं किसी प्रकार का कोई गबन वगैरह, मतलब कोई छेड़छाड़ वगैरह कहीं पे भी कुछ भी नहीं है। यह माजावा से इनके खुद के बना बनाया मकान खुला है और मेरे को फर्स्ट नंबर दुकान खुला है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की रोड, यहाँ का गार्डन, यहाँ का फाउंटेन, हर चीज़ बहुत बढ़िया है। मेरे खुद के 4 प्लॉट है, परशुराम शर्मा गंगापुर से हूँ मैं, और यहाँ जो व्यवस्था की है भाई पारदर्शी, पारदर्शी मीन्स कैमरे लगे हुए हैं, हर चीज़ LED स्क्रीन लगी हुई है, एक से एक चीज़ एक नंबर है। दूसरी बात, यहाँ का खाना जो भी बना, लापसी पूड़ी बनी, जो 5 पकवान में और भाजनों के खाने में मज़ा नहीं आता वो खड़े इस लापसीपुड़ी में आया। जो घर वाले हैं उन्होंने सबने मना किया, फिर हमारे हस्बैंड, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे टोकन लिया और हमारा यहाँ पे प्लॉट निकला है।